हे गाइस दिस इज साध्या जुले एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दैट इज़ साध्या जुले ऑफिशियल सो जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 पॉइंट फोर विच इज़ द फोर्थ एक्सरसाइज ऑफ वर्कशीट ऑफ चैप्टर वन एंड द नेम ऑफ चैप्टर वन इज नंबर सिस्टम विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है ओके okay? सो so, इस चैप्टर का फोर्थ वर्कशीट हम लोग आज डिस्कस करेंगे सो so, बिना देरी के जल्दी स्टार्ट करते हैं सो so, जैसा कि आपको क्वेश्चन वन दिख रहा होगा स्क्रीन पर ऑलरेडी दैट क्वेश्चन वन में क्या बोला है विजुअलाइज थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ओके आप को पता होगा कि नंबर लाइन पे हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीजर में आपका क्या हो गया जीरो आ गया पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आपका राइट साइड में है, नेगेटिव वैल्यू आपका लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट होता है जीरो के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट होता है बट ये जो आपको नंबर विजुलाइज करने बोला गया है नंबर लाइन पे ये आपका एक आ, रैशनल नंबर आप बोल सकते हो और एक हाँ रैशनल नंबर है रैशनल नंबर क्यों बोल रही हूँ क्योंकि इसको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इसलिए इसको रैशनल नंबर बोल रही हूँ और ये आपको नंबर दिख रहा होगा कि पॉइंट के बाद तीन डिजिट है राइट right साइड में सो इसीलिए सक्सेसिव मैग्निफिकेशन यूज़ करने के लिए बोला है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे सो so, सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले थ्री को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मीन्स मीन्स आपको ये पता चल रहा है कि थ्री पॉइंट समथिंग है थ्री पॉइंट समथिंग है दैट मीन्स कि ये थ्री पॉइंट समथिंग जो भी है वो कहाँ किसके किसके बीच में लाइक करेगा पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा तो वो आपका थ्री और फोर के बीच में लाइक करेगा सपोज uh, कि अगर फोर पॉइंट समथिंग दिया हुआ है दैट मीन्स कि वो फोर और फाइव के बीच में लाइक करेगा तो सबसे पहले आपको रेंज डिसाइड करना पड़ेगा अब यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है कि थ्री पॉइंट समथिंग है दैट मीन्स कि वो थ्री और फोर के बीच में लाइक करेगा तो सबसे पहला आपको पॉइंट के बाद राइट right साइड में एक डिजिट को कंसिडर करना है तो आपका कितना नंबर बन गया थ्री पॉइंट सेवन आपका ये आपका नंबर बन गया अब थ्री पॉइंट सेवन को आपको रिप्रेजेंट करना है थ्री और फोर के बीच में नंबर लाइन पे तो आपको जैसा पता है कि थ्री और फोर के बीच में नंबर लाइन में नाइन यूनिट्स आते हैं नाइन यूनिट्स आते हैं तो आपका यूनिट्स कैसे डिवाइड uh, होता है थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट एट थ्री पॉइंट नाइन तो थ्री पॉइंट सेवन चाहिए थ्री पॉइंट सेवन आपको मिल गया इसलिए मैंने उसको सर्कल कर दिया अब आपको थ्री पॉइंट सेवन मिल गया अब आपको क्या चाहिए थ्री पॉइंट सेवन सिक्स मींस राइट साइड में एक एक डिजिट आगे बढ़ते जाएंगे ओके okay. तो अब आपको देखना है कि थ्री पॉइंट सेवन सिक्स आपको चाहिए अब आपको देखना है कि थ्री पॉइंट सेवन सिक्स आपको कौन से दो दो नंबर के बीच में आपको मिलेगा तो थ्री पॉइंट सेवन सिक्स है देट मीन्स कि आपका वो जो भी थ्री पॉइंट सेवन सिक्स आपको जो चाहिए वो आपका किसके किसके बीच में लाइक करेगा थ्री पॉइंट सेवन और थ्री पॉइंट एट के बीच में ये आपको लाइक करेगा तो मैंने वही किया है थ्री पॉइंट सेवन साइड में एंड थ्री पॉइंट एट राइट हैंड साइड में लिख दिया अब यहाँ पर फिर से नाइन डिवीज़न बनेगा तो नाइन डिवीज़न कैसे बनेगा आपका थ्री पॉइंट सेवन वन थ्री पॉइंट सेवन टू थ्री पॉइंट सेवन थ्री थ्री पॉइंट सेवन फोर थ्री पॉइंट सेवन फाइव थ्री पॉइंट सिक्स सेवन सिक्स चाहिए था ये आपको मिल गया उसके बाद वाला भी आप लिख देना वैसे ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना तो जो आपको चाहिए उसको आप सर्कल कर देना सर्कल करने से क्या होता है कि जो चेक करेंगे जो एग्ज़ामिनर होंगे उनको पता चलेगा कि हाँ आपने रिप्रेजेंट करके दिखाया है अब आप आपको थ्री पॉइंट सेवन सिक्स मिल गया दो डिजिट मिल गया राइट साइड में अब आप आपको थर्ड डिजिट, फाइनल डिजिट आपको चाहिए थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव अब थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव आपको चाहिए ये आपका किसके किसके बीच में लाई करेगा थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव से थ्री पॉइंट सॉरी थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव चाहिए आपको तो थ्री पॉइंट सेवन सिक्स से थ्री पॉइंट सेवन सेवन के बीच में आपका ये लाई करेगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है लेफ्ट हैंड साइड में थ्री पॉइंट सेवन सिक्स को रखा है राइट हैंड साइड में थ्री पॉइंट सेवन सेवन को रखा है एंड uh, मैंने सारे uh, सारे नौ यूनिट्स नहीं बनाए हैं बस आप सारे नौ यूनिट्स बना भी सकते हो नहीं भी बना सकते हो लेकिन जो जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है उसको तो बनाना ही पड़ेगा मतलब वो डिनोट होना चाहिए तो वैसे ही करते करते आप जब लिखोगे तो आपको जब आप फिफ्थ uh, पोजीशन पे पहुंचोगे तो आपको मिल जाएगा थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव सो इस वे में आपको रिप्रेजेंट करना है अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है डेसिमल वैल्यू है किसी नंबर का तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन में नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में आपका क्या second question question है सेकेंड क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है बस डिफरेंस यही है फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन में कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो था उसमें आपका थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव दिया हुआ था मतलब ये आपका रैशनल नंबर था एंड सेकेंड क्वेश्चन आपका इ नंबर है इ रैशनल नंबर क्यों बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बार है इस वाले नंबर पे आपका बार है बार मतलब कि वो एन नंबर ऑफ टाइम्स रिप, रिपीट होगा मतलब आप जितना चाहे उतना रिपीट कर सकते हो बट क्वेश्चन में ये है कि क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया है लिमिटेशन दे दिया है कि विजुअलाइज फोर पॉइंट टू सिक्स टू सिक्स पे बार है ऑन द नंबर लाइन अप टू फोर डेसिमल प्लेसेज अप टू फोर डेसिमल प्लेसेज का मतलब है कि पॉइंट के बाद राइट साइड में चार डिजिट ही आ सकता है मतलब चार डिजिट तक आपको करना है उसके बाद का नहीं करना है तो इसीलिए मैंने फोर के सॉरी पॉइंट के बाद यहाँ पर राइट साइड में फोर डिजिट्स लिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा फोर पॉइंट टू सिक्स टू सिक्स तो आपका सबसे पहले आपको जैसे मैंने उस क्वेश्चन बताया था वैसे ही करना होगा फोर पॉइंट समथिंग है दैट मीन्स कि वो किसके किसके बीच में लाइक करेगा फोर और फाइव के बीच में लाइक करेगा सबसे पहले आपको फोर पॉइंट टू चाहिए तो आपको फोर पॉइंट टू यहाँ से मिल गया फोर और फाइव के बीच में अब आपको फोर पॉइंट टू मिल गया अब आपको चाहिए फोर पॉइंट टू सिक्स चाहिए अब फोर पॉइंट टू सिक्स आपको किसके किसके बीच में मिलेगा फोर पॉइंट टू और फोर पॉइंट थ्री के बीच में मिलेगा तो ये देखिए फोर पॉइंट टू इधर हो गया यहाँ पर फोर पॉइंट थ्री हो गया आपका अब आपको फोर पॉइंट टू सिक्स चाहिए ये आपका मिल गया अब आपको क्या चाहिए फोर पॉइंट टू सिक्स टू चाहिए तो ये आपका किसके किसके बीच में लाई करेगा फोर पॉइंट टू सिक्स टू फोर पॉइंट टू सिक्स और फोर पॉइंट टू टू सिक्स सॉरी फोर पॉइंट टू सेवन फोर पॉइंट टू सेवन हो जाएगा हम्म hmm. तो फोर पॉइंट टू सेवन आया तो आपका ये आपका मिल गया फोर पॉइंट टू सिक्स टू चाहिए तो आपको फोर पॉइंट टू सिक्स टू सेकेंड पोजिशन पर मिल गया अब आपको चाहिए फोर पॉइंट टू सिक्स टू सिक्स लास्ट आपको जो चाहिए लास्ट नंबर तो ये आपको किसके किसके बीच में लाइक करेगा फोर पॉइंट टू सिक्स टू से फोर पॉइंट टू सिक्स थ्री के बीच में लाई करेगा वैसे ही मैंने यहाँ पर बनाया है तो आपको कौन से पोजीशन पे सिक्स पोजीशन पे ये नंबर आपको मिल जाएगा तो आपको मिल गया ये नंबर सिक्स पोजीशन पे आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे एंड इफ आपको कोई डाउट है हो देन यू कैन डेफिनेटली आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो ओके देन थैंक यू